नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। एके प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर केडी शर्मा ने कहा कि शिक्षा एक सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। पहले तो हमारे स्कूल का नाम है के प्राइमरी स्कूल। अच्छा, हमारा अपने हेडमास्टर रूम है, मेरा नाम है केडी शर्मा। सर, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा के स्तर को तो इसी तरह सुधारा जा सकता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करवाए, ऑडियोविजुअल एड्स दें, और ज्यादातर देहाती बच्चे हैं तो देहाती बच्चों में ज़्यादा इतना वो रहता नहीं है। कुछ रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, कुछ चले जाते हैं बीच बीच में, एक वो रेगुलर आए। नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर अभिभावक ही हैं, क्योंकि बिहार के ज़्यादातर प्राइवेट बिहार के हैं, वो तो 3-4 महीने घर जाएंगे, वापिस आएंगे, 2-4 महीने रहेंगे, फिर चले जाएंगे। और बच्चा 4 महीनों में क्या सीखता है, ये कुछ नहीं हो सकता। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? नहीं, करना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि देहाती बच्चे ना उल्टा सीखते हैं तो उनके लिए ठीक नहीं बढ़ता। शहरों की बात दूसरी है और गाँव की बात दूसरी है। आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप खुद एक प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन हैं, कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? नहीं, बस यही है कि थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल की फीस थोड़ी सी डाउन रखें, जिससे गरीब बच्चे, साधारण बच्चे वो पढ़ सकें। जैसे हमारे स्कूल में दूसरे तो 8-10 हज़ार लेते हैं, हम मिला के 400, 500, 300, 200 ऐसे लेते हैं। एक छात्र को अपने जीवन में दिनचर्या किस तरीके से बनानी चाहिए, इस पर आप विचार दीजिए। देखिए, छात्र को सुबह उठ के पहले तो एक नहाए धोए, लेटर बाथरूम जाए, फिर बाद में नहा धो के ब्रेकफास्ट करें, फिर स्कूल का टाइम होता है, स्कूल में आए। पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो 7 बजे फैक्ट्रियों में जाते हैं मजदूरी करने, तो वो बच्चे 4-5 बजे उठ नहीं सकते। वो बेचारे माँ बाप चले जाएंगे, खाना इनको बना के रखेंगे, अपने कमरों में रखे, एक ही कमरे में एक ही रहते हैं, क्योंकि किराया बहुत ज्यादा है। तो उसमें होता है चाबी इन बस। पूरे दिन में बच्चे को घर जाकर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, बस इस पे आप बताएं। घर जाके तो छोटे बच्चों को यह है कि कल अखबार में मैं पढ़ रहा था तो होमवर्क भी नहीं दिया जाए और पढ़ाई भी नहीं की जाए, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इनको होमवर्क देंगे तो सारे दिन खेलते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत होमवर्क जरूर देना चाहिए।